सबको पता है कौन यहाँ क्या हो रहा है। ये बिहार SSC आज से नहीं, बताइए IAS ऑफिसर गया जेल, परमेश्वर राम गया जेल, सब जेल जा चुका है, फिर जाके आप वही गलती फिर से कर रहे हैं। मतलब गलती से आप सबक नहीं लेना चाह रहे। लगभग सभी परीक्षाओं की स्थिति है कि एग्जाम के बाद निकलने के बाद हम लोग काफ़ी मेहनत करके दूर से आते हैं और जो भी कंडक्टिंग एजेंसीज वगैरह उसका तरह तरह का रूल रेगुलेशन वगैरह था, सूच पहन करके अंदर नहीं जाना, हम लोग नंगे पैर अंदर गए, ठंडे में हम लोग का मफलर खुलवा दिया गया, जैकेट खुलवा दिया गया, फिर भी ये क्वेश्चन कैसे लिख हो गया। छात्रों के ऊपर तो सरकार तरह तरह के नियम कानून लगा देता है और उसके अपने तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। दो दिन तीन दिन से घर से निकले हुए हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं इधर उधर। बिहार के छात्र तो ऐसे भी आपका समझिए कि सारे गाँव घर से इधर उधर से आते हैं और इस तरह की परेशानियाँ होती है, पेपर लिख हो जाता है और पता चला रास्ते में कि क्वेश्चन लीक हो गई है, जिस कारण से हम लोग काफ़ी मायूसी है। बाहर स्टूडेंट खड़ा है, अंदर कोई और परीक्षा स्टूडेंट दे रहे हैं, इस तरह के मामला बिहार में होते रहता है। पेपर लीक होता है, अंदर से बहुत टूटा हुआ जैसा लगता है जैसे हम लोग को अब बिहार में जॉब ही नहीं करना, करेंगे क्या करेंगे, नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता है कि नहीं पढ़ता है उसको ढेर सवा नंबर आ जाता है बैठे बैठे, और जब पढ़ता है उसको नंबर नहीं आता है। अब अंधकार में स्टूडेंट को लेके जा रहे हैं, कितने साल के बाद इतनी वैकेंसी आई थी, लोग शौक से आया था एग्जाम देने के लिए, प्रिपरेशन मेहनत भूख प्यास सब कुछ करके, और ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या सोचेंगे वो आदमी, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, सुसाइड नहीं करेगा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन की जो परीक्षा हो रही थी उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए, प्रश्न पत्र लीक हो गए और BSSC की जो छवि है वो छात्रों के सामने खुली हुई है। 8 साल के बाद परीक्षा होती है, 9 लाख जो है छात्र पूरे बिहार से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है उसके बाद उनकी मायूसी, उनके साथ होने वाली परेशानी, हम इस वक्त पटना जंक्शन पर है, छात्र परीक्षा देकर के लौट रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हुआ, शिक्षा मंत्री ने कहा कि जांच करेंगे, कितनी नाउमीदी और कितनी मायूसी हाथ लगी, उम्र है नहीं है, तैयारी कैसे हम लोग सर गया से आ रहे हैं, एग्जाम सेंटर बक्सर था और एग्जाम दे करके हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, 10 से 12:30 बजे शिफ्ट में बाहर जब निकलते हैं तो 1:03 पर मेरे ग्रुप में पूरा जो क्वेश्चन सेम टू सेम वही सेट है जो है, मैंने देखा तो देखा कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन। अब बिहार के लगभग सभी परीक्षाओं की स्थिति है कि एग्जाम के बाद निकलने के बाद हम लोग काफ़ी मेहनत करके दूर से आते हैं और जो भी कंडक्टिंग एजेंसीज वगैरह उसका तरह तरह का रूल रेगुलेशन वगैरह था, सूच पहन करके अंदर नहीं जाना, हम लोग नंगे पैर अंदर गए, ठंडे में हम लोग का मफलर खुलवा दिया गया, जैकेट खुलवा दिया गया, फिर भी ये क्वेश्चन कैसे लिख हो गया। कहीं ना कहीं आयोग की इसमें बच्चों का पांव नंगा किया गया, आयोग पहले से नंगा है ऐसा छात्र कह रहे हैं। बिहार SSC इंटर लेवल का जो फर्स्ट हुआ 2014 के बाद 2022 में क्लियर हुआ, ये एग्जाम जो है ना आयोग बहुत जल्दबाजी में एग्जाम अच्छी तरह से करवाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कहां से क्वेश्चन लिखो जाता है। छात्रों के ऊपर तो सरकार तरह तरह के नियम कानून लगा देता है और उसके अपने तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। गुस्सा आता है सरकार से ऐसी व्यवस्था से, हम लोग बहुत गुस्सा आता है, हम लोग कहां गया से आए, दो दिन तीन दिन से घर से निकले हुए हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं इधर उधर। बिहार के छात्र तो ऐसे भी आपका समझिए कि सारे गांव घर से इधर उधर से आते हैं और इस तरह की परेशानियां होती है, पेपर लीक हो जाता है, इस पर जांच होता है कि नहीं होता है तो आगे पता लगेगा। नहीं, अगर जांच होगी भी तो नुकसान किसका होगा, छात्रों का होगा, समय गया, पैसा गया, छात्रों का है सर। हम लोग खुद एग्जाम देकर आ रहे हैं और पता चला रास्ते में कि क्वेश्चन लीक हो गई है, जिस कारण से हम लोग काफ़ी मायूसी है। पेपर अच्छा जाने के बाद भी अगर हम लोग 120 करते हैं तो जो क्वेश्चन लीक हुआ है उसके अनुसार उन लोग 140 145 ऐसे करेगा, जिस कारण से हम लोग क्वेश्चन लीक हो चुका है, ऑलरेडी क्वेश्चन लीक हो गया। और बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यही स्थिति है। हाँ सर, हर एक परीक्षा की, बिहार की जितनी भी परीक्षा होती है अच्छा से संपन्न होता नहीं है, कभी पेपर लीक हो जाता है। आज बिहार से सीखे, इसके पहले बात करें तो BPSC का भी उसका भी लीक हुआ था। बाहर स्टूडेंट खड़ा है, अंदर कोई और परीक्षा स्टूडेंट दे रहे हैं, इस तरह के मामला बिहार में होते रहता है। मैं यह चाहता हूँ कि सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, कोई तो माफिया होगा, BPSC की खबरें हम लोगों ने भी चलाई थी जिस तरह से मामला हुआ। BPSC जैसा प्रतिष्ठित और BSSC जैसा एग्जाम अगर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं इन माफियाओं की वजह से तो क्या करेगा, गरीब किसान परिवार के बच्चे हैं, घर से निकलते हैं, माँ दुआ देती है, जब यहाँ से निकलते हैं तो पता होता है कि प्रश्न पत्र। सोचिए, अभी 2 दिन से हम लोग भूखे प्यासे निकले नवादा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग यहाँ एग्जाम देने के लिए, और इस तरह की जब पेपर लीक होता है अंदर से बहुत टूटा हुआ जैसा लगता है जैसे हम लोग को अब बिहार में जॉब ही नहीं करना, करेंगे क्या करेंगे, नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता, इतना मेहनत लगता है। तेजस्वी और नीतीश कुमार जी को एक्शन लेंगे तो ऐसे माफिया बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी, आराम से पकड़ी जाएगी। कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी सरकार में बैठे जिम्मेवार लोग हैं, माफियाओं का संरक्षण उन्हीं लोग देते हैं, ऐसे माफियाओं की कोई ताकत नहीं है कि कुछ कर सकती है। छात्र इतना मेहनत करके आते हैं उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएँ होती है, इससे बिहार का नाम बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध है पूरे देश में,
लोग जानते हैं। नाम के साथ साथ भविष्य भी बच्चों का खत्म हो रहा है, इतने दिन बाद वैकेंसी आती है और बीएसएससी के पास आप जाएंगे तो चेयरमैन आपसे मिलेगा नहीं, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों से भी बातचीत वो नहीं करते हैं। लेकिन तो क्या मतलब हौसला टूटने लगता है क्या इस तरह जब होता है? बहुत हौसला टूटने अंदर से लगता है कि नहीं पढ़ता है उसको उसको ढेर सवा नंबर आ जाता है बैठे बैठे, और जब पढ़ता है उसको नंबर नहीं आता है, वैसे लटक रह जाता है। आप भी परीक्षा देकर आ रहे हैं जी? प्रश्न पत्र लीक हुआ था अभी तो मेरे को मालूम नहीं, कल लीक हो गया, कल वाला तो मालूम था कि लीक हुआ है, आज वाला नहीं हुआ है। लेकिन सरकार करेगी जांच, करेंगे, अगर रद्द करना हो तो रद्द भी कर देंगे। अब सरकार की मर्जी है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, रद्द करेगी। अब देखिए आयोग क्या बता रहे हैं कि जांच होने के बाद ही कुछ कैंसिल होगा या जो भी होगा वो जांच होने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों का मांग है कि क्वेश्चन अगर लीक हुआ है तो पेपर को कैंसिल कर दिया जाए, ताकि जो है फिर से स्टूडेंट लोग जो है अपना तैयारी जो है पूरा कंप्लीट कर सके और अच्छे से जो है इस बार जो है एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। उसको तो पकड़ना जरूरी है ना, हर बार यही हो जाता है। ये तो सर ये बिहार सरकार करेगी, बिहार गवर्नमेंट करेगी, ये हम लोग बच्चे थोड़े करेंगे। इतना मेहनत से पढ़ लिख कर आ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जा रहा है। नहीं लगता है ना। और दो जांच हो रहा है लेकिन बाद में पता चलता कि कुछ नहीं हो रहा है। आप भी परीक्षा लेके लौटे हैं जी? कल पेपर लीक हुआ, हंगामा खड़ा है जी, मेरा कल ही था पेपर। तो देखिए इसमें जो है ना सरकार का बहुत बड़ा गलती है। क्या आप 9 लाख 10 लाख स्टूडेंट का व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं, एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं ढंग से? देखिए बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, इतनी बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है ये सब, और पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। स्टूडेंट दिल्ली से, बम्बई से, कोलकाता से ट्रेन में सीट नहीं मिल के लटक के आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी ठंड के मौसम में, और ऐसा हो जा रहा है, बताइए। ये शर्मनाक है सबके लिए, सरकार के लिए, जो बड़े बड़े लोग अपराधी लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको पता नहीं है? सबको सब कुछ पता रहता है, सबको पता है कौन यहाँ क्या हो रहा है। ये बिहार एसएससी आज से नहीं, बताइए आईएएस ऑफिसर गया जेल, परमेश्वर राम गया जेल, सब जेल जा चुका है, फिर जाके आप वही गलती फिर से कर रहे हैं। मतलब गलती से आप सबक नहीं लेना चाह रहे हैं और अंधकार में स्टूडेंट को लेके जा रहे हैं। कितने साल के बाद इतनी वैकेंसी आई थी, लोग शौक से आया था एग्ज़ाम देने के लिए, प्रिपरेशन, मेहनत, भूख प्यास सब कुछ करके, और ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या सोचेंगे वो आदमी? डिप्रेशन में नहीं जाएगा, सुसाइड नहीं करेगा, क्या करेगा वो? सुसाइड कर रहा है, रोज़ सुसाइड हो रहा है। आप मीडिया लोग नहीं पता करते हैं, आप रूम में जाके पूछिए, पटना, मुसल्लमपुर, राजेंद्र नगर और बोरिंग रोड में जाके क्या हाल है स्टूडेंट का। दाल भात चोखा ये सब खाना खा के आदमी पढ़ता है और जाके किसी तरह से जीवन काटता है। घर कितना घर से पैसा देगा बताइए? 8 साल 10 साल में एक वैकेंसी आता है, उसको भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अब फिर बीपीएससी का कैंसिल हुआ, उसका एग्ज़ाम लिए, फिर इसका कैंसिल कीजिएगा, फिर इसका एग्ज़ाम लीजिएगा, कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा? आप सिस्टम को नहीं सुधार पा रहे हैं। सुशासन बाबू, बस सुशासन बाबू चल रहे हैं क्या? किस बात की सुशासन बाबू है बताइए, किस बात का? ना एक एग्ज़ाम आप सही से नहीं कंडक्ट, आपका इलेक्शन फेयर हो जाता है, मतलब करोड़ों लोग देते हैं एग्ज़ाम, इलेक्शन करोड़ों लोग, आपका यहाँ इससे तो ज़्यादा ही होता है, स्टूडेंट्स तो ज़्यादा ही है ना, वो कैसे फेयर करवा लेते हैं? क्या ये नहीं करवा सकते हैं एग्ज़ाम 10 लाख स्टूडेंट का? अब फिर भी नहीं हो पा रहा है। नीयत अच्छी नहीं है, उस नीयत में माफिया भी शामिल है। माफिया एकदम शामिल है, विभाग को पूरा पता है माफिया कौन है, विभाग के लोग ही ऐसा करवाते हैं, जान के करवाते हैं, सब एक पर एक लगे हुए हैं। इसकी जांच होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए। जो भी अपराधी पकड़ा है उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, एकदम कड़ी। बीपीएससी में हुआ क्या हुआ, कुछ आया रिजल्ट? बस दो चार को इधर उधर करके छोड़ दिए, तो बहुत बड़ी जाँच होनी चाहिए। अभी परीक्षा दिखा रहे हैं जी, बीपीएससी वाला पेपर कल लीक हुआ, उसको लेकर के ये असमंजस है कि रद्द भी हो जाएगा एग्ज़ाम, दूर दराज इलाके से लोग आते हैं, छात्र आते हैं, किसान फैमिली के बच्चे हैं, तो हर बार इस तरह का प्रश्न पत्र लीक होता है तो मायूसी हाथ लगती है जो तैयारी करने वाले छात्र हैं जी। प्रश्न पत्र लीक नहीं होना चाहिए, जो सरकार इस पर सही से कार्रवाई नहीं कर पा रही जी जी। अभी परीक्षा देकर लौटे हैं सर जी? कहाँ से आए हैं? मुंगेर। बहुत लंबा सफ़र है आपका? हाँ, दूर दे दिया सेंटर। उसके बाद भी अगर ये समझ में आए कि पर्चा लीक हो गया तो बहुत तकलीफ होती होगी। बिहार का तो यही हाल है, सब दिन तो यही सुन रहे हैं, जब भी देते हैं बिहार का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, यही होता है कि कैंसिल हो जाता है। क्या लगता है इसमें कितने माफिया लोग शामिल होंगे? पता नहीं। प्रश्न पत्र लीक करना तो आम लोगों की बात है नहीं? नहीं, आम लोगों की बात नहीं है, पता नहीं कब बिहार सुधरेगा।
तो ये थे आम छात्रों की राय जो अलग अलग ज़िलों से पटना पहुंचे थे, जिनका सेंटर पटना था, और उन्होंने कहा कि हम बहुत भरोसे यकीन के साथ परीक्षा देने आते हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, हमारे साथ समस्याएं हैं, जो वित्तीय प्रॉब्लम है वो है, माँ बाप को उम्मीदें होती हैं, भरोसा होता है, लेकिन जब परीक्षा दे करके निकलते हैं या परीक्षा से पहले ही ये पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है और BSSC की जो कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, छात्रों को मायूसी हाथ लगी है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़िए, आखिरकार पकड़ेंगे कब, इसलिए कि BPSC से लेकर के BSSC तक के जो सवालनामे हैं वो लीक हो जा रहे हैं और ये लगातार छात्रों का कहना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और आपने सुना जो छात्र हैं वो मायूस नज़र आ रहे हैं, कहा कि दो वक्त की रोटी खाते हैं इसलिए कि ताकि दो वक्त की रोटी परिवार के लिए जुटा सके, लेकिन जब नौकरी की आस टूटती है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, तो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सरकार से ये सवाल है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, CBI जाँच हो।